अजीज भाई गूगल पे देख रहे हैं, उनको तो पता, आप ही, आप ही पता होगा, आप ही सवाल का जवाब इनको बता दीजिए। देखिए ऐसा है रूबिका जी, अब आप अपना काम छोड़ दीजिए, शहजाद भाई को दे दीजिए काम अपना। अरे अब ये मणिपुर आपके दिल के इतना करीब है, मणिपुर पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ हल्का सा, उसमें आप बोल रहे हैं कि काम छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए। क्यों छोड़ दूं, मेरा काम मुझे बहुत पसंद है, क्यों छोड़ दूं मैं और क्यों दे दूं इनको? उनका काम महिलाओं के प्रति दे दूं मैं? आपका काम, मुझे आपका कोई सवाल पसंद आएगा तो वो ले लूंगी, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछूंगी जबरदस्ती। शहजाद पूनावाला दे दूं मैं अपना काम, काहे दे दूं भाई जी? आप मुझे बढ़िया सा सवाल बताइए, मैं आपका सवाल ले लूंगी, पर काम काहे दे दूं आपको? अब आप सुन ले, देखिए 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 रूबिका जी, यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं चल रहा है कि मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फाल है कि नहीं है, वो सब इस सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई यहाँ कोई ऐसा शो नहीं कर रहा हूँ, कोई टैलेंट हंट रही हूँ। आपसे मुझे उम्मीद थी, इसीलिए तो मैंने कहा कि अपने साथी को मदद कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट। नहीं मैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं ये कह रहा था हम भी देश के साथियों को अरे सुनिए ना, सुनिए रूबिका जी मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मोटा मोटा मामला, कि शहजाद भाई से सिर्फ इतना मुझे जानना है। देखिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा बहुत सेंसिटिव जगह है, वहां पे किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था रहा और किसानों का बहुत बड़ा जत्था बहुत पीड़ित रहा है, वो बड़ी मांग करता रहा और वो बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को गवर्नमेंट पे लाया था, लेकिन वही किसान, आपने खुद अंदाजा लगाया कि वही किसान कोई काफी एक लंबी फेरिस्त है किसानों की जो शहीद हो गए। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो वायदा भी किया था वो वायदा भी पूरा नहीं किया। अरे डॉक्टर साहब आपने एक बढ़िया सवाल मुझे दे दिया, वेरी गुड थैंक यू, लेकिन मैं आपको मेरी नौकरी नहीं देने वाली हूँ, मैं बता दूं, लेकिन आपने बढ़िया सवाल पूछा उसमें मैं उसमें एड ऑन कर देती हूँ, ठीक है। हाँ हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले शहजाद पूनावाला, आपकी तीन दुखती रग है और हरियाणा में वो तीन दुखती रग है। अजीज भाई ध्यान से सुनिएगा, नौकरी नहीं दूंगी लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो सेना के नौजवान हो, ये तीनों आपकी दुखती रग है और तीनों वहां हरियाणा में काबिज है और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि ये स्टेट आपके लिए इस बार बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला। मैं तीनों को बताता हूँ, ये तीन हमारी दुखती रग नहीं, ये तीन हमारे स्ट्रेंथ के पिलर्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। किसानों का बजट 25,000 करोड़, आज 1,25,000 करोड़। किसानों को वीट और राइस पर MSP 3 लाख करोड़ की मिलती थी यूपीए में, आज 11 लाख करोड़ की मिलती है। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 में आई, 14 तक धूल खाती रही, हमने लागू किया। MS स्वामीनाथन ने धन्यवाद भी दिया मोदी जी को और उनको हमने भारत रत्न भी दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया। अब आते हैं जवान पर, ORP का झुंझुना दिखाते थे, ORP लागू किया। नेशनल वॉर मेमोरियल का झुंझुना दिखाते थे, हमने लागू किया। सेना को सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर ये लोग सबूत मांगते थे, हमने सम्मान दिया। इन्होंने सड़क का गुंडा बुलाया आर्मी चीफ को, आते हैं पहलवान बेटियों पर। आने दीजिए नैरेटिव तो वो है, क्या है कि किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दी जाती है। जवान आपका अग्निवीर स्कीम के आने के बाद वो नौकरी नहीं करना चाहता है, बेरोजगार घूम रहा है। रेसलर आप जानते हैं, आ रहा हूँ, फोगाट जो है अब जा चुकी है कांग्रेस में, आ रहा हूँ। अब नैरेटिव कैसे बनता है, इन्होंने 700 किसान शहीद हुए ये कहा, स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया अपने अपने स्टेट का आंकड़ा दो, एक को स्टेट ने एक आंकड़ा नहीं दिया, बोला कि कोई शहीद ही नहीं हुआ, कोई मरा ही नहीं। पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका राज्य में 1200 किसानों ने आत्महत्या की एक साल में, उस पर कुछ नहीं बोलना है। अब इन्होंने पहलवान बेटियों की बात की, शारदा राठौड़ कांग्रेस की दो बार की विधायक बोलती है, चमड़ी और दमड़ी पर टिकट बेचा जा रहा है। सिमी रोजबेल जॉर्ज कैसे, कोलकाता पर खामोश, कन्नौज पर खामोश, केरला पर खामोश, कटवा पर खामोश, खटवा में जिसमें टिकट दिया था उसमें नहीं, ये जवाब वही हुआ कि उन्होंने मणिपुर किया। मैंने मणिपुर पर एक ही सवाल पूछा, 8 राज्यों के नाम बता दो तो फुस। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फुस हो जाता है ये नैरेटिव जनता के सामने जाकर। मध्य प्रदेश में यही नैरेटिव था, मध्य प्रदेश में यही कहते थे कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये है वो है इसके विरोधी। और आज एक लास्ट बात, ये तो दलितों के शुभचिंतक है ना, तुम्हारी शैलजा को डिक्लेयर कर दो सीएम फेस। ओके, लेकिन ये दोनों कैसे करेंगे बताइए? अरे इंडिया अलायंस में लड़ रहे साथ में, इंडिया अलायंस कर लेंगे। ओहो, हर जगह पे पीडीए का तगमा लगाकर बोलते हैं कि हमने पीडीए को बना दिया, हमने पीडीए को बना दिया, तो ये पीडीए वाले बोल नहीं सकते कांग्रेस को कि पीडीए समाज से भेज दो उनको, पीडीए समाज की वकालत करे? अरे लेकिन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस में नहीं है। कुरैशी को नहीं, कुरैशी कहाँ रहेंगे,
कुरैशी तो कुरैशी वाला काम करेंगे, वो तो मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी उसमें, उसमें क्या बुराई है कुरैशी कुरैशी? कोई नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो कुरैशी का कुरैशी वाला काम मैंने बताया ना, 153 ही फाइल हुआ है उनपे, 153 वाला काम है नहीं, लेकिन एक सेकंड, कुरैशी साहब ये कह रहे हैं आपसे कि वो इंडी गठबंधन में नहीं है। अरे मैं उनसे पूछ ही नहीं रहा, खामखा अपने पे क्यों ले रहे हैं, इनको तो कैपिटल नहीं पता देश के कई सारे राज्यों का। मैं समाजवादी पार्टी से बोल रहा हूँ, पीडीए बोलने वाले। अच्छा इनसे इनसे वो तो पूछ लो, मोदी जी आए थे वो चीन अंदर घुसाया था, वो बात सही थी या फिर बाद में? सेना ने तो कहा है नहीं घुसा है। आप किसकी सुनते हो? आप ग्लोबल टाइम्स की सुनते हो? ग्लोबल टाइम्स के चंदे पर हो गया? कांग्रेस तो लेती है चाइना का चंदा, आप ग्लोबल टाइम्स का कब से लेने लगे? सुनिए रुबिका जी, अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। देखिए मैं आपको आगे बताऊं, दरअसल भाई देखिए ऐसा है, आपको तो कैपिटल नहीं पता, मैं आपकी कौन सी बात सीरियसली, आप बताइए। मैं रुबिका जी से बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कर रहा। अच्छा शहजाद आप बस सुनिए ना, हम तो सुनना चाह रहे हैं। रुबिका नहीं है ना, तुम्हारा नाम रुबिका नहीं, नाम बदल दिया क्या? ऑडियंस का भी समय व्यर्थ हो रहा है। सुनिए देखिए मैं आपको बताऊं, सुनिए देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है रुबिका जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत सारे मसले पता है, विपक्ष के सब मसले पता है, अजीज खान के क्या प्रॉब्लम है वो पता है, दानिश कुरैशी के क्या प्रॉब्लम है वो पता है। अगर आप कहेंगी तो ये आपके भी प्रॉब्लम निकाल के आ जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में ये बात भूल जाते हैं कि केंद्र में तुम्हारी सरकार है और राज्य में तुम्हारी सरकार है, जवाब तो तुमको ही देना पड़ेगा। सवाल पूछे जाएंगे और तगड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पूरा सवाल घूम फिर कर हरियाणा का ही आ रहा है ना। आप चाहे वो दानिश कुरैशी हो कि अजीज भाई, आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं कि देखो भाई इस बार पता लगेगा। अच्छा लेकिन रुबिका जी ये बताइए, दोनों का वहां क्या स्टेक है? मांग रही थी समाजवादी पार्टी, उसको भी नहीं दिया वैसी साहब का, तो वहां कुछ है ही नहीं कि ये तो जिसको कहते रहे कि कौन मैं खामखा वही वाला हाल है। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त समझ में आता, कोई पार्टी कैसे ऐसे गड़बड़ करती है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसे ही पिछड़ती चली गई थी। आज सोचिए आप कि टीवी डिबेट में भर नहीं है, गांव-गांव में दलितों को हुड्डा जी का शासन काल याद आ रहा है। शैलजा जी जिस तरह से मुस्कुराते हुए कह देती हैं कि अरे हमें बुलाते ही नहीं तो हम जाएं कहां प्रचार करने के लिए। बड़ी नेता, एक बड़ी दलित नेता इस तरह से असहाय दिखने लगे तो कांग्रेस के लिए एक राज्य जो आता हुआ दिख रहा था वो 5 तारीख आते आते कहां पहुंचेगा, ये बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खूब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक, जिसको आप कह लें कि ऊपर से शीर्ष नेतृत्व थोड़ा मजबूत है, मोदी शाह से थोड़ा डरते हैं कि नेता कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते, यहां तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। और मुझे लगता है कि एक ये वाले नैरेटिव से मैं सहमत नहीं हूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ होता तो 5 सीटें भी नहीं मिलती, 1 सीट मिल जाती हरियाणा में तो बहुत था, क्योंकि हरियाणा तो पूरी तरह से रूरल है, पूरी तरह से किसानों पर है। और जो नया वाला आंदोलन था उसमें हरियाणा के जो कम्युनिस्ट किसान नेता वो भी नहीं शामिल हुए। ये एक भ्रम सा है कि किसान पूरी तरह से वो है अगेंस्ट में है, एकदम पूरी तरह से उनके साथ है। हाँ एक चीज जरूर है, जाट पोलराइजेशन है, जाटों को ये लगता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत लोकसभा चुनाव में दिखा दी, इस चुनाव में भी दिखा देंगे, बस उसका नुकसान न हो जाए कि गैर जाट हमेशा से जाट डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स रही है। लेकिन असल खेल तो वहां पर दलितों के वोट की तरह, दलित और ब्राह्मण ये दो वो कौमें हैं जो असल खेल करती हैं, खासकर वोटर के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। मतलब हाँ जाट डोमिनेटिंग वो पूरा का पूरा इलाका कहा जाता है, लेकिन इस बार क्या ब्राह्मण और दलित दोनों बीजेपी को, शहजाद पुरावाला की पार्टी को वोट करते दिख रहे हैं?